के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, उनके विघ्नों को मर्दन करता हुआ नष्ट करता है, विघ्नों को नष्ट करता है उनको और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ। क्योंकि भगवान परमात्मा का वास्तविक रूप एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी है, तो यहाँ हम चरम दृष्टि से उसको नहीं देख सकते। इसलिए वो अपने रूप का हल्का तेज पुंज का शरीर धारण करके, उसको हल्का करके यहाँ आता है अपने रूप को। इसे सिद्ध कि साकार है भगवान, अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। यहाँ इन्होंने क्या किया है, इसमें यो हलंत वाला रह जाता है, अत्य अलग कर देते हैं, ये अत्यो कबीर अत्यो, रह छोटा हो जाता है, तो उस रह को इन्होंने यहाँ दो अपसर्ग में बदल दिया, तो ये कवि बना दिया। तो कवि का अर्थ सर्वज्ञ नहीं हो सकता, कवि का अर्थ काव्यकार तो हो सकता है लेकिन सर्वज्ञ नहीं हो सकता, सर्वज्ञ तो परमात्मा ही होता। तो हम इसको, हम जैसे इसको हम कबीर देव लिख दें, वो कबीर देव वह परमात्मा कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, यानी बिजली जैसी गति से चलकर वर्णीय पुरुषों को यानी श्रेष्ठ भक्तों को, व्यक्तियों को प्राप्त होता है। आगे देखना, अब 27 में ये क्या लिखा कि प्रेम की वे सैकड़ों धाराएं, ये अनुवाद इन्होंने ठीक नहीं किया है, जो नाना रूप में स्थिति को लाभ कर रही हैं, वे परमात्मा को प्राप्त होती हैं। अच्छा, प्रकाश पुंज परमात्मा को, प्रकतेजों में परमात्मा को बुद्धि वृत्तियां विषय करती हैं, जो परमात्मा द्यूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, तीसरे पृष्ठ पर, ओह यानी वो तीसरे स्थान पर ऊपर भाग पर विराजमान है, तो साकार है, एक देशीय है, एक स्थान पर रहता है और प्रकाश रूप है। अच्छा, अब वो किस उद्देश्य से यहाँ आता है ये क्लियर करेगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 82 का मंत्र 1 से लेकर 3 तक हम आपको दिखाते हैं। ये 82 है, यहाँ ऊपर ये है 82 और यहाँ देखिए नीचे, इसमें स्पष्ट लिखा है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु यानी सबको, सबकी सृष्टि करने वाला परमात्मा प्रकाश रूप और सद्गुणों की वृष्टि करने वाला है, पापों का हरण करने वाला है, वह राजा के समान देखने योग्य है, दर्शनीय है, राजा के समान दर्शनीय है यानी साकार है वह प्रभु, राजा के समान दर्शनीय है, देखने योग्य है, साकार है, और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है, वह वर्णीय पुरुषों को, वह श्रेष्ठ भक्तों को, वह यानी अच्छी आत्माओं को जो दृढ़ भक्त हैं उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, उनको मिलता है आकर के। कैसे, जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, इसी प्रकार उत्पन्न वाला परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। अब देखो ना, जिस प्रकार वो परमात्मा कैसे मिलता, कि जैसे विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता, जैसे आकाशीय बिजली गिरती है तो वो विशेष किसी स्थान पर गिरती है,
जैसे पहले, अब भी वही स्वभाव है लेकिन अब काशी धातु रही नहीं, पहले काशी धातु के बेले थाली होया करते थे, परात भी होते, बेले थाली ज़्यादा होते थे, और उनको बाहर अगर वर्षा में रह जाते थे तो उनके ऊपर अमूमन कहीं ना कहीं बिजली अवश्य गिर जाती थी, आसमानीय बिजली, क्योंकि उसका उससे कोई विशेष कनेक्शन है जिस पर वो आकर्षित होती है। तो इसी प्रकार बताया है कि वो परमात्मा उन प्यारी आत्माओं को मिलता है जो मिलने योग्य हैं, जिन पर वो उनके लिए आ सकते हैं, क्योंकि परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, वो कुछ एक पुण्यात्माओं को विशेष रूप से मिले, उनको ही ज़्यादा वो ही समझ सके उनको, बाकी वो टोल गिल 64 लाख तो चेले हो गए थे, वह बिना समझ सके, और अन्य जो ऋषि में ऋषि मंडलेश्वर गुरु आचार्य और वह बिना मालिक को पहचान सके, तो उनके लिए आना ना आना बराबर होता है भगवान का। तो विशेष उन्हीं आत्माओं को आकर मिलते हैं जो उनको समझ सकते हैं और उनका आगे प्रचार कर सकते हैं, जैसे बिजली अपने स्नेह वाले पदार्थ पर आकर गिरती है, मैटेरियल पर गिरती है, इसी प्रकार परमात्मा भी उन अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। फिर किस उद्देश्य से आते हैं ये और देखिए आगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का आपने एक मंत्र पढ़ा कि वह परमात्मा राजा के समान दर्शनीय है, और वह वर्णीय पुरुषों को, अच्छी आत्माओं को जो दृढ़ भक्त हैं उनको, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, उनको मिलता है। कैसे मिलता है? जिस प्रकार विद्युत यानी आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को प्राप्त आधार बनाकर प्राप्त होती है। उद्देश्य क्या है उसका आने का, परमात्मा का? अब दूसरा मंत्र है, यहां लिखा है कबीर वेदस्य, ये कबीर इस यो रह ऊपर लगा हुआ हाफ, तो इसका इन्होंने कवि शब्द कर दिया हटाकर रह। अब जैसे ये समझना जरूरी हो गया, आप देखिएगा ये यजुर्वेद है, आप देखिएगा ये यजुर्वेद है, ये यजुर्वेद है, और इसको ये रह हटा करके दो अपसर्ग भी लगाए जा सकते हैं। ये यजुर्वेद अनुवाद किया है महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने, कंप्लीट 40 के 40 अध्याय अनुवाद किया है महर्षि दयानंद, इसका राइटर नहीं है, केवल अनुवाद करता है। प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और ये महर्षि दयानंद सरस्वती कृत है 40 के 40 अध्याय, आगे लिया सुना। और ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली, फोन नंबर इतने थे। अब इसमें दिखाएंगे आपको कि एक 36 नंबर अध्याय में ये स्पष्ट किया, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। ये है 6300 अध्याय यानी 36वां अध्याय, इसमें यहाँ लिखा है ये रिचे वाचम परपधे मनो यजु परपधे, ये यजु शब्द है यानी यजुर्वेद का जो ये ऊपर का हिस्सा हटा के, जैसे इसमें यहाँ लिखा था ये यजुर्वेद है, ये रे हटा के और यहाँ अपसर्ग लगा दी, ये 36 में जाएगी प्रथम मंत्र में, ये प्रथम मंत्र में यजु। अब इसका अनुवाद करते समय दयानंद जी ने क्या किया है, यजु को यजुर्वेद लिखा, बिल्कुल ठीक किया। अब इस यजु को कोई नहीं समझ सकता, जबकि इसके साथ ये लिखना पड़ेगा यजुर्वेद है, जब ये यजुर्वेद लिखा जाएगा तो ऊपर रह लाना पड़ेगा, तो हम इसको यजुर्वेद बोलते हैं, यजुर्वेद अपने लोकल लैंग्वेज में। तो ऐसे ही कबीर देव ये अपसर्ग हटा दिए, हटाकर अपसर्ग लगाने से जो कवि लिख दिया उन्होंने, तो हमने जब कबीर देव लिखेंगे तो रह ऊपर लाना पड़ेगा, तो
तो हम कबीर देव कहने लगे, कबीर कबीर साहब, देव माने परमात्मा। तो ऐसे अब भ्रंश हो गया, इस कवि को हम कबीर कहने लगे। ये वास्तविक नाम है प्रभु का जो वेदों में प्रमाणित है, और इस यथार्थ नाम से ही परमात्मा यहाँ आते हैं। और इसी का यथार्थ, ये वास्तव में यथार्थ नाम भी मालिक का यही है, जैसे सत्पुरुष अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम परम अक्षर ब्रह्म, ये तो इनके उपमात्मक नाम है, उपाधि के नाम है। जैसे देश के प्रधानमंत्री जी का नाम, शरीर का नाम अन्य होता है, और वैसे उनको प्रधानमंत्री, लैंग्वेज डिफरेंस होने से प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उनका शरीर का नाम कोई और, वास्तविक नाम और होता है, ये उपमात्मक नाम उपाधि के नाम। तो अब यहाँ कबीर देव को समझने में आसानी हो जाएगी, आपने भ्रमित ना होगे। ये देखिएगा, अब ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का इब आप दूसरा मंत्र पढ़ रहे हैं। यह लिखा है कबीर वेदस्य, हे परमात्मन उपदेश करने की इच्छा से आप, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बिजली जैसी गति से हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो। परमात्मा भी कहते हैं अपनी वाणी में, पहुंचूंगा छन्ने एक मजन अपने के हेत एक सन में, और आप, इन्होंने लिख दिया कवि, इसको कवि लिख दिया, हमने यह लिखना चाहिए ये कबीर देव हैं, कबीर देव कबीर साहब, जैसे भी आपको उदाहरण दिया था यजुर्वेद का। तो अब इसको हम अगर कबीर देव लिखा, तो यह लिखना चाहिए हमने इसको पूरा पूर्ण करके कबीर देव, वो कबीर अगर इसी दीपसोदी हिंदी में लिखा तो कबीर देव लिखे, और हम उसको कबीर देव कहने लगे, कबीर साहब, वो कबीर साहब हैं, आप कबीर हैं, आप कबीर साहब हैं, कबीर देव हैं, आप कबीर परमात्मा हैं। ये उसको कवि कहते हैं, जो व्याकरण के मास्टर मानते हैं अपने आप को, वो कहते हैं वो तो कवि है, तो आप यही सोच रहे वो कवि साहब है, हम उसको कबीर साहब कह दें, बोलन का अंतर है, वो वही परमात्मा है जिसका वेद गुणगान कर रहे हैं, जो काशी में आया था जुल्हा रूप में, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे सोम आप हमको सुख दें। अब तीसरे मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का मंत्र 3, पवित्र यज्ञों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं, और पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों में गति करते हुए आप, सर्वव्यापक नहीं आप है, आप गत स्वयं गतिशील होकर विराजमान होते हैं। अपने आत्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में लिखा है कि आध्यात्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, ब्रह्मणे मुखे, मुखे माने उनके मुखारविंद से, उनके मुख कमल से बोली गई वाणी में विस्तार से कहे गए, और उनको जानकर फिर आप पूर्ण रूप से यथार्थ भक्ति करोगे, और आप फिर भ्रमित नहीं रहोगे। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक परमात्म तत्व पर स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तू भगत बनेगा, यानी तब तो तू भक्ति के योग्य होगा, भक्ति तेरी प्रारंभ होगी। और गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन, जब बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत
और छोटे जलाशय में प्राणी की जितनी श्रद्धा रह जाती है उसी प्रकार उस परम अक्षर ब्रह्म के ज्ञान को